है एवरीवन, वेलकम टू डीपक ब्लॉग। सो इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ कौन कौन सा ट्रेनिंग जो है मिलता है एज अ पैट ज्वाइन करते हो तो कॉग्निजेंट में। सो कौन कौन सा वो डिफरेंट ट्रेनिंग्स है जिसमें जो है आप मे बी डिप्लॉय हो सकते हो। लाइक मैं बात करूँ तो 9 or 10 टाइप्स के जो है डिफरेंट डोमेन है जिसमें जो है फ्रेशर्स को असाइन किए जाते हैं और उसके बेसिस पे जो है डिफरेंट स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है और वो ड्यूरेशन भी जो है अलग अलग होते हैं। जो भी डोमेन में आप असाइन हुए हो उसके बेसिस पे जो है ड्यूरेशन होता है ट्रेनिंग का। दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ लॉन्ग इज अ ट्रेनिंग पीरियड इन कॉग्निजेंट फॉर पैट इंजीनियर्स। सो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सो वन बाय वन मैं डिफाइन कर देता हूँ कौन कौन से डिफरेंट डोमेन है जिस पे जो है डिफरेंट पीएटी जो भी रिक्रूट होते हैं फ्रेशर उसको जो है ट्रेनिंग दी जाती है और उसके बेसिस पे और लाइक रिस्पेक्टिव जो है एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन असाइन किया गया जिसमें जो है और एक ड्यूरेशन असाइन किया गया और डिफरेंट स्किल्स असाइन किया गया उस पर्टिकुलर डोमेन को। लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन। सो सबसे पहला है एनालिटिक्स जिसमें जो है आपको SAP SQL ये सब की जो है आपको ट्रेनिंग दी जाती है और ये जो ट्रेनिंग है आपका 2 months और 2 to 2.5 months का जो है टू चलती है। दूसरा डोमेन है जावा जिसमें जो है आपको कोर जावा, एडवांस जावा और SQL और C जो है आपको पढ़ाया जाएगा और जो ये पर्टिकुलर ट्रेनिंग जो आपको बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेशन की ट्रेनिंग जो आपका 5 months का जो है होता है एट कॉग्निजेंट किया जाएगा। नेक्स्ट अगर डोमेन की बात करें तो .NET डोमेन हो जाता है जिसमें जो आपको .NET ऑब्वियसली पढ़ाएगा। उसके अलावा SQL, HTML, CSS ये सब जो आपको पढ़ाया जाएगा जिसमें जिसका भी जो है ड्यूरेशन 5 months होता है और ये 5 months में जो आपको ये सब जो है कवर किया जाएगा। और इस बीच जो है बोले तो लाइक जितने भी आपको डोमेन बोल रहा हूँ उसमें जो है 3 or 4 जो है इंटरनल असेसमेंट होते हैं और एक फाइनल जो है रियल टाइम प्रोजेक्ट होता है। सो रियल टाइम प्रोजेक्ट जो आप ग्रुप में करते हो और ये जो असेसमेंट होता है 4 or 5 डिपेंड्स ऑन योर ड्यूरेशन और मिनिमम 2 or 3 होते हैं असेसमेंट पूरे इंटायर जो है ट्रेनिंग पीरियड में। सो वो जो असेसमेंट आपको जो है एक पर्टिकुलर असेसमेंट जो है 3 attempts मिलते हैं और 70% जो आपको एटलीस्ट जो है स्कोर करने रहते हैं पास होने के लिए। तो नेक्स्ट बात करें तो टेस्टिंग डोमेन होता है जिसमें जो आपको 1 month की ट्रेनिंग मिलेगी और बिजनेस रिक्वायरमेंट के अनुसार जो भी टेस्टिंग टूल जो है करेंटली चल रहे होंगे उसके उस पर जो आपको ट्रेनिंग 1 month की दी जाती है। नेक्स्ट डोमेन हो जाते हैं C and SQL। तो C and SQL का भी ट्रेनिंग सेपरेट ट्रेनिंग होता है जिसमें जो आपको 1 month का ट्रेनिंग दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाता है मेन फ्रेम का। मेन फ्रेम में जो आपको बेसिकली 5 months का ट्रेनिंग दिया जाता है। फ्रेम में जो आपको ड्यूरेशन ज़्यादा मिलता है और आपको जो है ये 5 months में ट्रेनिंग मेन फ्रेम का दिया जाता है। इसके अलावा जो बात करें तो डेटा वेयर हाउस का जो आपको 3 months का ट्रेनिंग दिया जाता है जिसमें जो है कोई पर्टिकुलर डेटा वेयर हाउस इधर टेराडाटा और आपको जो है स्नोफ्लेक वगैरह जो है बताया जाएगा और SQL लाइक ओरेकल एंड इसके अलावा डेटा वेयर हाउस में यूनिक्स वगैरह भी जो आपको दिया जाता है विद इन दैट ट्रेनिंग पीरियड। सो ये जो ट्रेनिंग पीरियड आपका 3 months का रहता है। बात करें तो मोबिलिटी एक डोमेन होता है जिसमें जो आपको जावा और एंड्रॉयड डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी कोर्स है उसके बारे में बताया जाता है। iOS डेवलपमेंट भी इसी में आते हैं तो वो डिपेंड करता है आपको कौन सा डोमेन मिला है। तो ये जो ट्रेनिंग है ये आपको 6 months का ट्रेनिंग दिया जाता है विद इन अ कॉग्निजेंट। सो ये सब जो है ट्रेनिंग दिया जाता है जो भी मैंने डोमेन जो मेनली बताया और ये सब मेन डोमेन है लाइक। सो जावा में जो है FSE भी आ जाते हैं तो FSE यानी कि फुल स्टैक इंजीनियरिंग था। तो ये जो है डिफरेंट डोमेन्स है जिसके बारे में जो है ट्रेनिंग आपको मिलती है अगर आप ज्वाइन करते हो कॉग्निजेंट एज अ पैट। तो ये जो ट्रेनिंग है वो डिपेंड्स ऑन योर टेक या जो भी आपको टेक असाइन हुआ है उसके बेसिस पे आपको ट्रेनिंग मिलती है। जितने भी डोमेन्स मैं बता रहा हूँ जो भी डोमेन आपका असाइन हुआ है उसके बेसिस पे जो भी स्किल्स मैंने बताया है वो आपको ट्रेनिंग दिया जाता है बताया जाएगा और असेसमेंट लिया जाएगा और एक मिनी प्रोजेक्ट रियल टाइम प्रोजेक्ट जो है दिया जाएगा। सो ये हो गई बात ट्रेनिंग की। दिस ऑल डोमेन डिपेंड्स ऑन योर टेक्नोलॉजी जो भी टेक्नोलॉजी असाइन हुई है उसके बेसिस पर आपको डिपेंड करता है कि कौन सा टेक्नोलॉजी पे आपको ट्रेनिंग जो है मिलेगा और कितने ड्यूरेशन का जो है ये ट्रेनिंग मिलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट कौन सा ट्रेनिंग मिलता है कौन कौन सा पैट को जो है ट्रेनिंग दिया जाता है और कितने ड्यूरेशन का वो पर्टिकुलर ट्रेनिंग होता है। सो लेट्स मीट इन अदर वीडियो। टिल देन टेक केयर।